नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरा नाम है अरिमोन और आप सभी देख रहे हैं हमारा चैनल यादव गोल्डन ट्रेडिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगरबत्ती पैकिंग पाउच के बारे में कि कैसे आप अपने ब्रांड का बनवा सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोज के अंदर इसके बारे में बात किया हुआ है, परंतु फिर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारी क्वेरीज जो कि आती रहती है, तो इस वीडियो में हम लोग सारी क्वेरीज को दूर करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ब्रांड का पाउच बनवा सकते हो, कितना खर्चा आएगा, क्या रेट पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी डिटेल्स के सारी चीज़ों के बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले करना चाहेंगे आपसे एक विनम्र निवेदन कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बिजनेस से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग लेके आते रहते हैं, जो कि बहुत सारे व्यापारी बंधुओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास, हमारे हाथ में है ये श्री मंगलम नाम का पाउच है। बहुत ही उम्दा क्वालिटी के अंदर बना है ये, हमने हमारे एक पार्टी के लिए बनाया है, मधुबनी बेस्ड पार्टी है, मधुबनी बिहार। ठीक है, तो उनके लिए हमने एक पार्टी पाउच बनाया है। काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की पाउच है, इस पाउच की डिजाइन वगैरह हर चीज़ काफ़ी बेहतरीन है। किसी भी पाउच को बनाते वक्त जो सबसे ज़्यादा ध्यान हम लोगों का होता है वो पाउच की डिजाइनिंग के वक्त, ठीक है, कि पाउच का डिजाइन किस तरह का होना चाहिए। इसका कारण ये होता है कि पाउच का आपका जो भी मटेरियल होता है वो लाख बेहतरीन क्वालिटी का बना दो, बहुत ही उम्दा क्वालिटी का बना दो, परंतु यदि पाउच की जो डिजाइन है वो अगर अच्छी नहीं बनेगी तो फिर पाउच अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपकी डिजाइन बहुत ही उम्दा क्वालिटी की हो। तो आप ये देख सकते हैं, हमारी पार्टी के लिए जो हमने ये डिजाइन बनाया है बहुत सारे लोगों को पसंद आया है, आपको भी पसंद आना ही चाहिए, बहुत अच्छी डिजाइन है। अभी अब हम लोग इसकी प्राइस वगैरह के बारे में समझते हैं कि क्या प्राइस वगैरह है। ठीक है, तो पाउच अगरबत्ती की जो पाउच होती है वो बेसिकली दो तरह की बनाई जाती है, एक होती है डबल लेयर की और एक होती है ट्रिपल लेयर की। जो डबल लेयर की पाउच होती है वो पतली होती है, ठीक है, और जो ट्रिपल लेयर की पाउच होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है, मोटी होती है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइस, ट्रिपल लेयर पाउच यदि आप बनवाते हो तो उसका प्राइस अभी के टाइम पे 280 रुपये किलो प्लस GST है। आप हो सकता है आप बाद में यदि आप कॉल करेंगे तो प्राइस कुछ डिफरेंट हो, बट अभी का जो प्राइस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 280 रुपये KG प्लस 18% GST ट्रिपल लेयर पाउच का, जो कि थोड़ा सा मोटा होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पाउच निकलती है उसके अंदर। बाकी जो आप लोग रेडीमेड पाउच वगैरह यूज करते हो अब वो डबल लेयर का होता है, वो पतला होता है। बाकी अपने ब्रांड के लिए ज़्यादातर लोग ट्रिपल लेयर का पाउच यूज करते हैं, जिसका कि प्राइस है अभी के टाइम पे 280 रुपये किलो प्लस 18% GST। ये जो मैं बता रहा हूँ 280 रुपये किलो प्लस 18% GST, ये वेरी करती रहती है, ये परमानेंट प्राइस नहीं होता है। तो आपको कभी भी कॉल करना है तो तत्काल का जो प्राइस होगा वो आपको पूछना है, ठीक है। तो 280 रुपये किलो प्लस GST और 1 KG के अंदर इस तरह की पाउचेज, 1 KG के अंदर जो 10 रुपये वाली पाउच होती है अब वो हमारा 65 लरी आता है, ठीक है, 1 KG के अंदर 65 लरी पाउच आएगा आपका, 6-6 पीस का एक लरी होता है। जैसे कि आप ये पाउच देख रहे हो, एक लरी के अंदर ये 6 पीस पाउच है, ठीक है, एक लरी के अंदर कितना है ये 6 पीस पाउच है, और 1 KG के अंदर ये 65 लरी चढ़ेगी। तो उसकी जो प्राइस वगैरह है वो कितनी आएगी वो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं, 280 रुपये KG प्लस 18% GST लेके 330 रुपया पर KG आपका ये पाउच पड़ेगा विथ GST, जिसमें कि आपको 65 लरी पाउच मिलेगा। ये ट्रिपल लेयर पाउच की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि ब्रांड के लिए, चूँकि आप अपना ब्रांड बनाओगे तो फिर क्वालिटी भी उसकी ब्रांड वाली होनी चाहिए, पाउच थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, तो ब्रांड के लिए ट्रिपल लेयर पाउच ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो आप लोग भी
कोशिश करें कि ट्रिपल लेयर पाउच बनवाए। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट जो आपकी क्वालिटी है वो बहुत ही उम्दा हो जाती है। ठीक है, यदि आप लोग इस तरह की पाउच बनवाना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो आप, कोई मैटर नहीं करता है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट डिटेल दिया हुआ है, व्हाट्सएप के ऊपर हमारा डिस्प्ले के ऊपर भी हमारा कांटेक्ट डिटेल दिया हुआ है, आप वहाँ से कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं कि कैसे आप अपने बजट में पाउच बनवा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ भूल गया मैं, इसके अंदर की जो मिनिमम क्वांटिटी होती है वो ट्रिपल लेयर पाउच के लिए, यदि आप एक डिजाइन की पाउच बनवाते हो तो मिनिमम 250 केजी बनती है। ठीक है, जैसे ये श्री मंगलम पाउच है, तो यदि आप कोई एक नाम या कोई चंदन मोगरा या गुलाब कोई भी एक आइटम बनवाते हो 10 रुपये में या 5 रुपये में कोई किसी भी साइज में, तो आपका एक डिजाइन के अंदर मिनिमम 250 केजी का असाइनमेंट रहता है। ठीक है, वही चीज़ यदि आप डबल लेयर में बनवाते हो तो मिनिमम 200 केजी का असाइनमेंट रहता है। जो डबल लेयर का होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बाकी आपको और विशेष जानकारी चाहिए इससे संबंधित, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे या कॉल के माध्यम से कॉन्टैक्ट करिए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।